चलिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार योग ऋषि परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में भारत को निरोग बनाने का सपना, भारत को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने का सपना और यह सपना आज साकार करने के लिए बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अगियांव प्रखंड के ऐतिहासिक पौना ग्राम के हम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठ करके और योग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आसनों के माध्यम से, सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार के माध्यम से हम अपने शरीर के तमाम रोगों को दूर करेंगे और शरीर रूपी मंदिर को जब स्वस्थ बना लेते हैं तो दुनिया में जितने भी साधन संसाधन हैं, परिवार हैं, धन दौलत है, उसी का आनंद ले पाते हैं। और जो व्यक्ति बीमार है वह व्यक्ति दूसरों का क्या, अपने शरीर का भी आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए आज अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का संकल्प लेकर के हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मंच पे बैठे दाहिनी तरफ आदरणीय उमा शंकर जी, जो किसान सेवा समिति भोजपुर जिले के जिला के प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम पूरे जिले में गांव-गांव में मूर्त रूप ले रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, जिनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, भगीरथ प्रयास से यह कार्यक्रम चारों तरफ कटनी का माहौल है। रवि फसल काटे जा रहे हैं, खेत खलिहान में सारे किसान मजदूर भाई अपने लगे हुए हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से प्रारंभ हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। तो आइए, मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आंख बंद करेंगे और वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भाई सभी आंख बंद कर लें, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, मन में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता, मुंह बंद करके नाक से सांस भरेंगे और तीन बार प्रणव की आराधना, फिर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ओम।